action! हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं जनमजय कुमार शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जे जे एंटरटेन। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूं एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज की रिएक्शन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं द वन एंड ओनली अपकमिंग एक्शन थ्रिलर एंड एडवेंचर फिल्म विक्रम वेदा हिंदी रीमेक। जी हाँ, सो टी सीरीज ने विक्रम वेदा के ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज कर दिया है। सो काफी ज्यादा एक्साइटेड है लोग उसको देखने के लिए फिल्म को, और उसके ट्रेलर का भी काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि कब आएगा। सो फाइनली ट्रेलर आ चुका है। सो आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ इसी फिल्म के ट्रेलर पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो फिल्म है, ये साउथ में 2017 में आई फिल्म विक्रम वेदा का हिंदी रीमेक है। एंड लेट्स सी, इसमें ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की जोड़ी देखने को मिलेगी विक्रम वेदा के रूप में। सो देखते हैं ट्रेलर कैसा है, बिकॉज काफी एक्साइटेड हूँ ट्रेलर को देखने के लिए, एंड आई होप आप भी होंगे। सो ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड ज्यादा देर ना करते हुए रिएक्शन शुरू करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हर कहानी के सिर्फ दो ही सिरे होते हैं, अच्छाई या बुराई। लेकिन हमारी ये सोच गलत है शायद। वर्षन कुमार टी सीरीज। अरे क्या कर रहा है यार, एक्शन के लिए आया, हमको भी पता है हाथ में चकुआ साला, रेडियो पे गाना आ रहा है, निकल जाएगा। पहले सुन लेते ना, 2 मिनट का फर्क पड़ता है। अरे किस्मत से फाइट मारोगे ना मुन्ना, तभी किस्मत नहीं सुनेगी। मौका सिर्फ आता नहीं है, छीना भी जाता है। क्या हर बुराई वाकई बुरी होती है, क्या हर अच्छाई वाकई अच्छी। अच्छाई और बुराई के ऊपर पूरे में फर्क पूरी स्टोरी लाइन। क्या है नरक, क्या ये पाप पुण्य, सब विसूल है। पता है हम हर एनकाउंटर के बाद भी चैन की नींद क्यों सोते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमने किसी बेगुनाह को नहीं मारा। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। अक्सर सच सही और झूठ गलत होता है, पर इस कहानी में सच और झूठ दोनों ही गलत है। सच और झूठ दोनों गलत है। दोनों के बीच में फाइट है। अगर अपराध करने वाले को सजा देते हैं तो करवाने वाला बच निकलता है, और अगर करवाने वाले को सजा देते हैं तो करने वाला बच निकलता है। किसको सजा देंगे आप, करवाने वाले को या करने वाले को? गेम क्या है तुम्हारा? यही तो आपको पता लगाना है सर। ओके, सो ये थी विक्रम वेदा की ट्रेलर, ऑफिशियल ट्रेलर। सो मजा आ गया एक्चुअली। एंड अब हम बात करते हैं थोड़े ट्रेलर के बारे में। सो एज वी ऑल नो कि 2017 में विक्रम वेदा ऑलरेडी साउथ में रिलीज हुई थी, साउथ लैंग्वेज में थी, एंड काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे हिट मानी गई थी 2017 में, बिकॉज फिल्म का जो बजट था वो था 110 करोड़, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति की जोड़ी विक्रम वेदा के रूप में थी, और अब वही सैफ अली खान और ऋतिक रोशन के रूप में है। बट अभी जो फिल्म आ रही है, हिंदी रीमेक जो आ रही है, दोनों के डायरेक्टर तो सेम ही है, पुष्करण गायत्री, बट जो अभी जो फिल्म आ रही है हिंदी रीमेक, इसका बजट
पुराने वाले फिल्म से हाई है। जो अभी जो विक्रम वेदा आ रही है इसका बजट है 175 करोड़। सो लेट्स सी कि बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर पाता है, ये तो 30th of September के बाद ही पता चलेगा हमें। बट अगर बात करूँ इस ड्रामा एंड एक्शन एडवेंचर थ्रिलर फिल्म की, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज सैफ अली खान इसमें कॉप के रूप में दिख रहे हैं एंड बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं, एक्टिंग भी बहुत सही कर रहे हैं। और ऋतिक रोशन की बात करूँ तो ऋतिक रोशन भाई कमाल के एक्टर हैं, एक्शन के लिए जाने जाते हैं। एंड बट एक चीज मुझे एक्चुअली थोड़ा लगा कि ऋतिक रोशन का जो बोलने का तरीका है, लैंग्वेज मतलब इस फिल्म में जो दिया गया इनको जिस तरीके से, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे सुपर 30 फिल्म आपने देखी होगी इनकी उससे मिलता जुलता है। सुपर 30 में भी काइंड ऑफ इसी तरीके से ऋतिक रोशन बोलते हैं, बट दैट्स परफेक्टली फाइन। बट मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, राधिका आप्टे है और दिखाया गया कि राधिका आप्टे सपोर्ट कर रही है तो कॉप की वाइफ, बट सपोर्ट कर रही है विलेन को। सो मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हम जैसा कि सब हम जानते हैं कि जो सैफ अली खान है, फिल्म की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि सैफ अली खान एक कॉप है और वो अच्छाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं अच्छी चीजों को, और जो उनके लिए बुरा है सीधा उनके इनकाउंटर करके खत्म कर दिया। सो इनके लिए अच्छाई जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ऋतिक रोशन जो कि एक विलेन है उनको मारना चाहते हैं सैफ अली खान, बट होता क्या है कि ऋतिक रोशन खुद ही आ जाते हैं, सरेंडर करते हैं इनके पास आकर के और इनको तीन स्टोरी सुनाते हैं। लाइक मैं विक्रम वेदा 2017 में मैंने देखी हुई है सो उसकी स्टोरी बता रहा हूँ। तीन स्टोरी सुनाते हैं और स्टोरी को सुनने के बाद इनका जो गुड और इविल के बीच में मतलब क्या सोचने का जो नजरिया है वो बदल जाता है। सो ऑफकोर्स सेम ही प्लॉट पे ये भी मूवी होगी, बट देखना ये होगा कि आखिर कुछ नया क्या है इस फिल्म में। जैसे कि कबीर सिंह देखा है हमने, अर्जुन रेड्डी देखा, कबीर सिंह अर्जुन रेड्डी का रीमेक था बट बॉक्स ऑफिस पर उसने धमाका मचा दिया था। सो हो सकता है कि विक्रम वेदा भी कमाल कर दे जो हिंदी रीमेक है, बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक्शन से भरपूर है और डायरेक्शन काफी अच्छी की गई है फिल्म की। कैमरा एंगल्स काफी अच्छे थे, जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहे थे ना, ना 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 ना, ना मजा आ गया सुनकर के। लाइक वो एक फील दे रहा था कि हाँ भाई कुछ देख रहे हैं हम खतरनाक सा। सो लेट्स सी कि फिल्म कितना कमाल कर पाती है बॉक्स ऑफिस पे, ये तो 30th of September के बाद ही पता चलेगा। बट मुझे जहां तक लग रहा है कि अभी क्या है ना कि बॉलीवुड में थोड़ा ज्यादा अभी ऑडियंस के लिए बॉलीवुड बॉयकॉटिंग बहुत ज्यादा चल रही है, सो ऐसा ना हो कि विक्रम वेदा भी उस बॉलीवुड बॉयकॉटिंग का विक्टिम बन जाए ये फिल्म भी और इसको भी लोग कहीं ना कहीं बॉयकॉट करें। बिकॉज कुछ दिनों पहले ट्विटर पे काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था विक्रम वेदा ऋतिक रोशन के कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से। बट आई होप लेट्स सी कि फिल्म अच्छी चले एंड हम होप कर सकते हैं कि फिल्म चले एंड काफी इंटरेस्टिंग है। सो आई होप आपको ट्रेलर अच्छी लगी हो और रिएक्शन भी। सो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी रिएक्शन और ये फिल्म की ट्रेलर कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं फिल्म को देखने के लिए मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। सो ये थी आज की रिएक्शन वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।